आज सदन में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव फुल फॉर्म में दिखाई दिए। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह से मुंह पर अखिलेश यादव ने कहा कि तुम लोग हार गए हो, इसलिए चुपचाप बैठ जाओ। इसके बाद तो सदन में बवाल हो गया, गृह मंत्री अमित शाह आग बबूला हो गए, खड़े होकर चीखने लगे, चिल्लाने लगे, जिस पर अखिलेश यादव ने तगड़ा जवाब दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि ये लोग हताश हैं, निराश हैं, इसलिए लोगों के अधिकार मारे जा रहे हैं और तो और सदन में स्पीकर के अधिकार भी काटे जा रहे हैं, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। अखिलेश यादव का इतना कहना भर हुआ कि अमित शाह चिल्लाने लगे। अमित शाह ने कहा कि सदन में खड़े हैं अखिलेश जी, इसलिए संभल कर बोलें और गोलमोल बातें मत करें। इसके बाद सदन में बवाल हो गया। तो फिलहाल अखिलेश यादव ने कमान संभाली है, कैसे गृह मंत्री अमित शाह की बोलती बंद कर दी है और तो और ओम बिरला भी खिसियाने पर मजबूर हो गए हैं। आपको एक एक करके बयान सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत अखिलेश यादव से करते हैं। अखिलेश यादव कैसे सदन में फुल फॉर्म में दिखाई दिए और शाह की बोलती बंद कर दी है, इस बयान को ध्यान से सुनिए। अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और सच अध्यक्ष महोदय सच्चाई ये है, अध्यक्ष महोदय सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश निराश आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। तो सुना आपने कि किस तरीके से अखिलेश यादव गृह मंत्री अमित शाह की सुनने के लिए तैयार नहीं है। अमित शाह कहते हैं कि नाम बताइए, तो अखिलेश यादव कहते हैं कि यहाँ पर मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि पहले क्या हुआ था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव का कहना है कि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया जा रहा है, जो 40 संशोधन किए जा रहे हैं, ये इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि ये लोग हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, ये लोग अपने कट्टर समर्थकों को खुश करना चाहते हैं, इसीलिए लोगों के अधिकार मारे जा रहे हैं। अखिलेश यादव यही नहीं रुकते, आगे जो कहते हैं उसके बाद तो बवाल मच जाता है। अखिलेश यादव का कहना है कि अधिकार सिर्फ हमारे आपके नहीं मारे जा रहे हैं, आलम तो ये हो चुका है कि सदन में स्पीकर के भी अधिकार मारे जा रहे हैं। अब जैसे ही अखिलेश यादव ने ये कहा, गृह मंत्री अमित शाह आग बबूला हो गए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो, आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट, अभी हारे ओके, हैं। ओके, नो। और दरअसल ये चाहते हैं नो। तो सुना आपने कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह खिसिया रहे हैं, खड़े होकर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कल तक तो राहुल गांधी के भाषण के दौरान संरक्षण मांग रहे थे और अब स्पीकर का संरक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। कहना है कि अध्यक्ष पूरे सदन का होता है, इसलिए अखिलेश यादव गोल बोल बातें ना करें। इस पर आप देख सकते हैं, अगर गौर से देखेंगे तो पड़ोस में बैठे हुए राजनाथ सिंह मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव फुल फॉर्म में हैं, अखिलेश यादव ने कमान संभाली है, गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव जवाब देते हुए नजर आते हैं कि ये लोग वक्फ बोर्ड में संशोधन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग हार चुके हैं। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने पहले ही तैयारी कर ली थी कि इस बिल का जबरदस्त विरोध होगा। अखिलेश यादव ने बाकायदा अपने सांसदों की फोटो के साथ ट्वीट किया है। फोटो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव सदन में अपने सांसदों के साथ फुल कॉन्फिडेंट मोड में
दिखाई दे रहे हैं। और इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने जो लिखा है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री अमित शाह को सदन में कैसे मिर्ची लगी आपने देखा। अब इस ट्वीट के बाद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपाई नेताओं को मिर्ची लगने वाली है। तो अखिलेश यादव ने ऐसा क्या लिख दिया है सुनिएगा। उन्होंने लिखा कि वक्फ बोर्ड का ये सब संशोधन भी बस एक बहाना है, रक्षा रेल रजूल लैंड की तरह जमीन बेचना निशाना है। वक्फ बोर्ड की जमीनें डिफेंस लैंड, रेल लैंड, नजूल लैंड के बाद भाजपाइयों के लाभार्थ योजना की श्रृंखला की एक और कड़ी मात्र है। भाजपा क्यों नहीं खुलकर लिख देती भाजपाई हित में जारी, इस बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएंगी। भाजपा रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है, उसे अपने नाम में जनता के स्थान पर जमीन लिखकर नया नामकरण कर देना चाहिए, भारतीय जमीन पार्टी। तो आप देख सकते हैं तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा सांसदों वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी। अब समाजवादी पार्टी ने सदन में किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को पानी पिला कर रख दिया है आप देख सकते हैं। एक तरफ राहुल गांधी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। इस बिल को लेकर मैं आपको बता दूं कि उम्मीद तो ये जताई जा रही थी कि जेडीयू टीडीपी इसका विरोध करेगी, लेकिन अब खबर निकल कर सामने आई है कि जेडीयू टीडीपी ने इस बिल का समर्थन कर दिया है। अब मुस्लिम वोट बैंक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए कितना जरूरी है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर आखिर किस बात का दबाव है। और जहां तक रही अखिलेश यादव की बयान की बात, आपने देखा कि अखिलेश यादव ने किस तरीके से इस बिल का पुरजोर विरोध किया है, और इस विरोध के साथ ही उन्होंने स्पीकर के अधिकारों का हवाला देते हुए भी सदन में बड़ा मुद्दा उठाया है। अब अखिलेश यादव के मुद्दे पर अमित शाह ने तो जवाब दे दिया है, लेकिन ओम बिरला कैसे खिसिया रहे हैं और खिसियाते हुए क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं बयान सुनिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप वरिष्ठ हैं और कोई नए भी सदस्य होंगे, कृपया हमेशा इस बात का ध्यान रखें आसन पर, संसद की आंतरिक व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ये मेरी सदन से अपेक्षा है। तो सुना आपने कि किस तरीके से एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह और दूसरी तरफ स्पीकर ओम बिरला खिसियाते हुए नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का बयान आपने सुना और ओम बिरला को आप सुन सकते हैं। ओम बिरला का कहना है कि आसन की तरफ और सदन की आंतरिक कार्रवाई पर किसी तरह की कोई टिप्पणी ना की जाए, मैं इसकी अपेक्षा करता हूं। अब अपेक्षा करने से क्या ही होगा, क्योंकि सदन कैसे चलाया जा रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जब राहुल गांधी ने किसानों को मुलाकात करने के लिए सदन में बुलाया तो किसानों को रोक दिया गया। उसके बाद जब विरोध हुआ तो किसानों को एंट्री मिली। किसानों ने जब राहुल गांधी से मुलाकात कर ली उसके बाद सदन में खड़े होकर बाइट दे दी, मीडिया कर्मियों से मुलाकात कर ली। जैसे ही मीडिया कर्मियों की बाइट निकलकर बाहर आई आप जानते हैं कि किस तरीके से पत्रकारों को कैद कर दिया गया। ओम बिरला ने खुद कहा कि सदन के परिसर में सांसद के अलावा कोई और बाइट नहीं दे सकता है। इसके बाद एक्ट्रेसेस के बयान वायरल हो गए कि उन्होंने सदन में खड़े होकर बयान दिया है। फिर जब फजीहत हुई तो पत्रकारों को रिहा कर दिया गया और जैसे पत्रकार कवरेज करते थे उसकी इजाजत दे दी गई। तो एक के बाद एक किस तरीके से ओम बिरला बेइज्जत हुए हैं, एक के बाद एक कैसे अधिकारों को मारा गया है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसी अधिकारों की बात को अखिलेश यादव ने सदन में उठाया है। अब जैसे ही सदन में अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया है गृह मंत्री अमित शाह बौखला रहे हैं और तो और स्पीकर ओम बिरला अपेक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल ये सदन का हाल हो चुका है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन पर अपना बिल लेकर आई है और इस बिल के विरोध में इंडिया गठबंधन उतरा है। अखिलेश यादव फुल फॉर्म में हैं, राहुल गांधी भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार के इस बिल का क्या होने वाला है, आपकी क्या राय है गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर और अखिलेश यादव के जवाब पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।